अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे नर्सरी में प्लांट्स खरीदने के लिए। मनीष को गार्डनिंग का बहुत शौक था एंड उन्होंने ये सब बुक करके भी रखा हुआ था, मगर सब होल्ड पे हमने रखा था। तो अभी आज सोचा कि एक गार्डन को उस बालकनी को डेकोरेट करेंगे एंड बस ये जो सब प्लांट्स उन्होंने लेके बुक करके रखे थे वही अभी हम लोग लेने आए हैं। बहुत बड़ी नर्सरी है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, एकदम घर के बाजू में है। पॉट्स और यहाँ पे प्लांटिंग भी वो लोग करके ही देंगे आपको, तो अगर आपके पास प्लांटिंग का मेरे जैसा कुछ नॉलेज नहीं है तो नॉलेज भी आपको मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ कैक्टस, अभी फ़िलहाल मैं जो बुक करके गए थे वही मैं लेने आई हूँ। उसके बाद मैंने रोज़ेज़ वगैरह भी देखा है, लेट्स सी, वो अभी एक दो महीने के बाद बोले हैं कि मिलेंगे। अगर ये देखिए बहुत बड़ी नर्सरी है, और इतने सारे प्लांट्स हमने ले लिए हैं, प्लांटिंग भी इनमें ही कर दिया है इन लोगों ने। तो आज हम लोग बालकनी का मेकओवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये साफ सफाई होगी और उसके बाद हम लोग तो चलिए फटाफट से बालकनी डेकोरेट करना शुरू करते हैं। Thank you.
अभी आपने देखा कि बालकनी सही से थोड़ी हमने ठीक ठाक कर ली है, मेक ओवर किया है बालकनी का। और एक थिंग मेरे माइंड में है मगर वो मुझे अभी करना है, मगर वो अभी मुझे बेस्ट में से बेस्ट बनाना है, तो वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही है। जैसे ही मिलेगी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर और भी चेंजेस कर दूंगी, मगर फिलहाल तो इतना किया है। कैसा लगा आप लोगों को, या और भी कुछ इसमें इंटरेस्टिंग सा कुछ कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आई वुड लव टू डू इट। और दूसरे दो तीन प्लांट्स भी अभी लाने हैं, रोजेज है, मगर वो अभी आए नहीं है मार्केट में, तो लाइक एक महीने के बारिश होने के बाद शायद अच्छे कलर्स या फ्लावर्स मिलेंगे। लेट्स सी, जैसे जैसे वो तो अभी जैसे जैसे आएगा टाइम विल चेंज इट। एंड आज एक इंटरेस्टिंग सी, बहुत दिनों के बाद इनफैक्ट आई डोंट नो लास्ट मैंने कब कुकिंग की थी, तो वही आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ जो माइंड में बहुत बहुत टाइम से थी, सोचा कि आज शुभारंभ वही आज से ही करती है। ढोकला का कुछ टेस्टी वर्जन बनाने जा रहे हैं। बैटर वही होगा, चीज़ वही होगी, मगर उसका जो आउटकम है, लुक है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा। तो बस आज वही हम लोग अभी करने जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून, आप देखते रहिए कि मैं डिटेल में रेसिपी मैंने ढोकले की बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो रेसिपी तो वही रहेगी मगर सिर्फ उसका जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, आउटकम है, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो आपको भी यूज़ आ जाएगा। कभी फिंगर फूड पार्टी होगी या किड्स पार्टी होगी तो उसके लिए, तो स्टे ट्यून और देखते रहिए कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं आज। और बस, और गर्मी बहुत है अहमदाबाद में, इट इज़ लाइक बहुत ह्यूमिड है क्लाइमेट, ऐसे पैसे बैठे पसीना भी नहीं आता, चिप चिप चिपका चिपका हो जाता है, तो बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद बारिश आ जाए तो क्लाइमेट थोड़ा और सही हो जाए। एंड बस चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। एंड आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और ब्लॉग अभी कंटिन्यूस मैं नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ, मगर स्लोली स्लोली मैं स्टार्ट करूँगी कि जैसे मैं पहले पोस्ट करती थी वैसे ही मैं वन बाय वन चालू कर दूँ। मगर जैसे जैसे अभी मैं यूज्ड टू हो रही हूँ, सब काम एक वन स्टेप बाय स्टेप सब ख़त्म हो रहे हैं, तो वैसे वैसे मैं अभी अपनी लाइफ में बिजी हो रही हूँ एंड थोड़े बहुत चेंजेस ला रही हूँ, एंड बस वही अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, बच्चों को खुश रखना है, बस उसमें अभी खुला टाइम जा रहा है। चलो खैर, अभी बनाना शुरू करते हैं, मम्मी भी है तो ढोकला का, मम्मी इज़ ढोकला क्वीन, तो बस उसी से सीखते हैं, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग कुछ डिफरेंट ट्राई करने जा रहे हैं, और ये हमारा नॉर्मल खट्टे आटे का जो बैटर होता है, ये वही बैटर है, और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कैंडी ढोकला। मेथड वही है मगर सिर्फ जो प्रेजेंटेशन है जो वो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने ये कुल्फी के मोल्ड है वो लिए हैं, और इसमें ही हम लोग ये जो खट्टे ढोकले का बैटर होता है वो हम लोग इसमें फिल करेंगे एंड देन स्टीम करने के लिए रख देंगे। और ये जो बैटर है वो हमने बनाया है, दाल भिगो करके बनाया है, आप चाहें तो इवन रेडीमेड आटा भी यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और इस ये जो मेथड है कैंडी ढोकला का मेथड है, आप उससे कैंडी इडली भी बना सकते हैं, इडली का बैटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, खमन ढोकला का जो बैटर आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ नया डिफरेंस सा एंड थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेबल दिखेगा, टेस्ट तो आपको वही आएगा मगर जस्ट लुक वाइज थोड़ा डिफरेंट लगेगा। तो इसमें हमने चने की दाल डाली है, थोड़ा सा रवा डाला है एंड राइस डाले हैं, रात को भिगो दिया था, सुबह उठ के पीस के फिर फर्मेंट होने के लिए रख दिया है, प्रोसेस सेम ही है। और आप चाहें तो इसमें इनो डाल सकते हैं, मतलब जो जिनको वो फ्लफ़ी वाले पसंद है इनो डाल के भी आप बैटर बना सकते हैं, तो वो थोड़े जाली दाल फ्लफ़ी हो जाएंगे, मगर हमें थोड़े हार्ड पसंद है इसलिए मैंने इसमें इनो या कुछ हमने इसमें डाला नहीं है, मगर आप इनो डाल के भी एकदम फ्लफ़ी सा बैटर भी बना सकते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर हमने लाल मिर्च डाल दी है एंड देन
स्टीम होने के लिए रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, एंड देन आप डीमोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। गर्मा गर्म आप इसको मूंगफली के तेल के साथ एंड ये लाल मिर्च के साथ खाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं एंड बहुत डिलीशियस लगते हैं। कैंडी ढोकला बनके तैयार है। ये खट्टे हैं और देसी स्टाइल से बने हैं, इसलिए सोडा या ऐसा कुछ नहीं डाला है। मगर आप सोडा वगैरह डालेंगे तो और भी ज़्यादा आपको टेस्टी लगेंगे, मगर हमको ऐसे पसंद है तो हमने ऐसे खाए हैं। खाए क्या हैं, बनाए हैं। और ये देखिए बस, इसमें आप ये तेल के साथ और लाल मिर्च के साथ अच्छे लगते हैं तो हम ऐसे सर्व करेंगे। और ज़्यादा तेल एंड बस गरम गरम खाइए और इंजॉय कीजिए कैंडी ढोकला। इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च और यम्मी से कैंडी ढोकला तैयार है। आप जैसे शादियों में लाइव ढोकले का अभी बहुत फैशन चल रहा है, तो ये बस वही टाइप का लाइव ढोकला मगर दूसरा वर्जन। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको बहुत ही जल्द अगले रेसिपीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड नमस्कार।